किसी भी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। सर्किट के जिस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना होता है, हम वोल्टमीटर को उस कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज के सही मेजरमेंट के लिए यह जरूरी है कि हम जिस सर्किट में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उस पर वोल्टमीटर का प्रभाव बहुत कम हो। इसलिए वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जिससे कि करंट वोल्टमीटर में से फ्लो नहीं हो पाता। इसलिए वोल्टमीटर को कंपोनेंट से कनेक्ट करने पर मेजर किए गए वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कंपोनेंट के रेजिस्टेंस के 20 गुना से कम है, तो करंट सर्किट में से वोल्टमीटर में फ्लो करने लगेगा, जिससे वोल्टेज की एक गलत रीडिंग आएगी। वहीं करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। किसी भी कंपोनेंट के थ्रू करंट मेजर करने के लिए हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर को सर्किट के साथ एक लाइन में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे उन्हें कंपोनेंट्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करने पर सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बदलता और इस तरह मेजर किए जाने वाले करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एमीटर को किसी भी कंपोनेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट न करें। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण सर्किट का करंट रेजिस्टर से बाईपास हो जाएगा और एमीटर से होकर फ्लो करेगा। यदि करंट काफी ज्यादा है और सर्किट में कोई करंट लिमिटिंग कंपोनेंट्स नहीं है, तो करंट की ज्यादा मात्रा मीटर को डैमेज कर सकती है। एक सर्किट के किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ओम मीटर यूज करते हैं। वोल्टमीटर की तरह ओम मीटर को भी कंपोनेंट से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओम मीटर कभी भी पावर्ड सर्किट में यूज नहीं किए जाते। ये मीटर को डैमेज कर सकता है और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकता है। तो सर्किट में ओम मीटर कनेक्ट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सभी स्विचेस ओपन हैं। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम मीटर में एक इंटरनल वोल्टेज सोर्स होता है, जो एक बहुत छोटा करंट जनरेट करता है और ये करंट उस कंपोनेंट से फ्लो होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होता है। मीटर में अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके ओम मीटर खुद ही ओम्स लॉ से ये कैलकुलेट करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आज इस तरह के ऑल इन वन डिजिटल मीटर्स एमीटर, वोल्टमीटर या ओम मीटर की तरह यूज किए जाते हैं। ये हमें फास्ट और काफी एक्यूरेट रीडिंग देते हैं।